जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने नशीली सिरप की बिक्री के लिए परिवहन कर रहे दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में आरोपियों के कब्जे से 115 नग वाइनसरक्स कप सिरप और बाइक को जब्त किया है। मामले में NDPS एक्ट की धारा 21B के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी नितिन सारवे जांजगीर के IB रेस्ट हाउस, आरोपी राकेश गबेल सक्ती जिले के आडल गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम को सूचना मिली कि पेंड्री गांव से जांजगीर की ओर दो व्यक्ति नशीली सिरप खपाने आ रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने दबिश दी और बाइक सवारों को रुकवाया। जब दोनों की तलाशी ली गई तो कार्टून में रखे नशीली सिरप पुलिस के हाथ लगी। मामले में आरोपी नितिन सारवे और राकेश गबेल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस दोनों को मुख्य द्वारा सूचना मिली कि दो लड़के मोटरसाइकिल में नशीली सिरप बिक्री करने के लिए परिवहन कर रहे हैं, तो सूचना की तस्दीक है तो पुलिस के द्वारा घेराबंदी छापामारी किया गया। एक HF जिलस काले कलर की बाइक में दो आरोपी, जिसमें कि नीतीश सालवे और राकेश कुमार गबेल, दोनों के कब्जे से 115 नग नशीली सिरप मूल्य करीब 20,700 रुपये का उनसे जब्त किया गया है। जब्ती के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उनको विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजी गई है।